हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपको नए चैनल पोल्ट्री केयर साखोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए अब हर रोज़ नए वीडियो डाले जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि फ़िश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है। साथ में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आप उसके साथ पपीते की खेती कैसे करें। दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ वो हमारे खेत हैं दोस्तों, हम यहाँ पे सभी तरह की फार्मिंग करते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पे पौंड है पास में दोस्तों, पौंड लगा रखा है हमने, पौंड खोद रखा है, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। आपको पपीते के पेड़ लगाए नए दोस्तों, हर रोज़ इनको ग्रोथ होने के लिए क्या क्या देते हैं हम आपको डेली न्यूज़ में डालेंगे दोस्तों। आप देख रहे होंगे दोस्तों मेरे साथ, ये पपीते के पौधे हैं दोस्तों, इसमें ये एक पपीता का पौधा दिख रहा होगा आपको। दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे पास में देख रहे होंगे आप पौंड जो हमने एल आकार का खोद रखा है। साथ में दोस्तों हमने तारबंदी करने के लिए, ये खंभे जो दिख रहे हैं वो तारबंदी करने के लिए लगाए गए हैं दोस्तों। अब इसमें आप आपको बता दें कि हम यहाँ पे पपीते की खेती भी करेंगे। आओ दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम पौंड को खोद रखे हैं दोस्तों। इसमें हमने 2000 फिश डाली है दोस्तों, इसमें कोमल गार्ड और कोमल गार्ड के साथ दोस्तों हमने इसमें रोहू और कतला डाली है दोस्तों। दोस्तों आपको दिख रहा होगा बड़े आसानी से, इसमें दोस्तों आपको फिश नज़र आएगी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये हमारा फिश पॉन्ड है और इसमें फिश में हम क्या क्या डालते हैं आपको कल से सभी चीज डिटेल से बताएंगे दोस्तों। और पोल्ट्री फार्म का 0 डेज से लगा के 365 डेज का आपको जानकारी देंगे, जिसमें देसी चिक्स आप कैसे डाल सकते हैं दोस्तों इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों और हम आपको सभी तरह की जानकारी देंगे दोस्तों। आप अपना नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो हमारे से पूर्ण जानकारी लेके सभी तरह के वीडियो देख के उसके बाद में चालू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।